सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया ओप्पो रेनो। इसका दो वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, एक मिलेगा 6GB रैम के और एक मिलेगा 8GB रैम के, और दोनों ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर, ट्रिपल कैमरा और फ्रंट में है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। ट्रिपल कैमरा जो है वो है 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का एक सेंसर है और 13 मेगापिक्सल का एक सेंसर है। और इस फोन के खासियत है 10x ऑप्टिकल जूम, यानी कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी के फ़ोटो इस फोन में आप ले पाओगे। और ये भी आपको फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा और अमेजन के ऊपर भी मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। प्री बुकिंग चल रहा है, अगर किसी को चाहिए ये फ़ोन तो प्री बुकिंग कर सकते हो आप अमेजन से भी और फ्लिपकार्ट से भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं आज और क्या 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 टेक्निक्स है। दोस्तों कुछ दिनों के अंदर आपको और भी एक फोन मिलेगा जो कैमरा सेंट्रिक फोन होगा, वो होगा Honor 20 सीरीज का। ये भी फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होने वाला है। इसमें जो है 4 कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। यानी कैमरा क्वालिटी के लिए बहुत ही अच्छा फोन होने वाला है ये Honor 20 सीरीज। कुछ ही दिनों में लॉन्च होगा, उसके बाद आप देख सकते हो, क्योंकि अभी जो फोन आया दो फोन आया है, एक आया है ब्लैक शार्क 2 गेमिंग फोन, मगर उसका भी कैमरा बहुत ही अच्छा है, और एक फोन आ गया है ओप्पो रेनो, ये भी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है, प्रोसेसर क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, एकदम अच्छे क्वालिटी के प्रोसेसर के साथ, अच्छे क्वालिटी के कैमरे के साथ ये फोन आया है। अभी ये जो Honor 20 सीरीज आएगा ये भी अच्छे क्वालिटी के कैमरा लेकर आएगा। अगर आपके पास कैमरा प्रायोरिटी पाता है, आपको अच्छे कैमरा वाला फोन चाहिए, तो आप ये फोन भी देख सकते हैं। दोस्तों ये न्यूज़ है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग के एम सीरीज का जो फोन आया था वो कुछ आया था एंड्रॉयड ऑडियो अपडेट के साथ, मगर एंड्रॉयड ओरियो अपडेट आने के साथ कुछ प्रॉब्लम भी था उस फोन में, कुछ बग्स भी था, तो उसका पाई अपडेट आना चालू हो गया है M30 में। जो दोस्त M30 फ़ोन यूज़ करते हैं उसका फ़ोन अपडेट कर लो, आप लोग आपके फ़ोन अपडेट कर लोगे तो उसमें पाई अपडेट आपको मिल जाएगा। और जो M10 और M20 यूज़ करते हो वो कुछ दिन वेट कर लो, आपके फ़ोन में भी रोल आउट हो जाएगा एंड्रॉयड पाई अपडेट। दोस्तों सैमसंग के जब बात करें, सैमसंग के और एक फ़ोन आने वाला है जून महीने में। ये फ़ोन आएगा एम सीरीज का M40 जो फ़ोन आएगा वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर के साथ आएगा, यानी कि अच्छा क्वालिटी के प्रोसेसर इस फोन में देखने को मिलेगा। अभी इस फोन में एक्जिनोस का कोई भी प्रोसेसर नहीं देखने को मिलेगा। इसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप रहेगा, 5000 mAh की बैटरी रहेगा, फास्ट चार्जिंग रहेगा और इसमें इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलेगा, और इसका कीमत रहेगा कुछ 20,000 के नीचे, यानी इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलेगा 20,000 के नीचे, पहली बार ऐसा हो रहा है। उसमें कैमरा भी अच्छा रहेगा, प्रोसेसर भी 675 बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोसेसर है, जो हम देखा है रेडमी नोट 7 प्रो में इस्तेमाल किया गया है, अच्छे क्वालिटी के प्रोसेसर है। इसके साथ ट्रिपल कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 20,000 के अंदर आपको एक अच्छे क्वालिटी के फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन आप देख सकते हो। कुछ दिन वेट कर लो, अगले महीने के कुछ 11 तारीख को ये फ़ोन लॉन्च होगा, इसके बाद इसके टोटल डिटेल्स क्या है आपको हम बता देंगे। दोस्तों बहुत दिनों से बात चल रहा था Redmi के फ्लैगशिप के बारे में, यानी कि Redmi K20 Pro को लेकर। फाइनली चाइना में ये फ़ोन लॉन्च हो गया है, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन भी अच्छा है, जो पहले भी हम लोग बोले थे कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये फ़ोन लॉन्च हो गया है और एक महीने के अंदर ये फ़ोन इंडिया में भी आएगा। मगर इंडिया में जब आएगा इसको कौन सा नाम पे आएगा इसको लेकर ही एक बात चल रहा है। मगर जो इस Redmi के K20 Pro आने वाला है, इसका प्राइस निकल गया है, जो प्राइस है 25,000 से लेकर 30,000 तक इसके प्राइस होगा। इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलेगा, इसमें आपको पॉप आउट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, इसमें 48 मेगापिक्सल के एक कैमरा, दो अलग से और भी दो कैमरा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रिपल कैमरा सेटअप इस फोन में आपको देखने को मिलेगा। अच्छे क्वालिटी का इसमें डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी रहेगा। और जो M20 आने वाला है वो आने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर के साथ। इस फोन में ये जो फ़ोन होगा ये कुछ 20,000 के नीचे आएगा, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान में रख लो, जून महीने में आपके देखने को मिल जाएगा Realme X, और ये फ़ोन भी आने वाला है 730 प्रोसेसर के साथ। और Redmi का जो K20 आने वाला है वो भी Redmi 730 प्रोसेसर के साथ, यानी कि दो फोन ही कम्पीट करेगा। Realme का जो फ़ोन आएगा वो कुछ 18,000 के नीचे आएगा, और Redmi क्या करते हैं इंडिया में इसका प्राइस लाते ये देखना है। मगर Redmi को अगर
अच्छा प्राइस में ये फ़ोन लॉन्च करना है तभी वो रियलमी की तरह साथ कम्पीट करने को उसको मिलेगा, नहीं तो ये रेडमी नोट 7 प्रो की तरह पछाड़ देगा रियलमी 3 प्रो जैसे पछाड़ दिया, वैसे ही रियलमी एक्स भी पछाड़ देगा। क्योंकि रेडमी नोट 7 प्रो में एक प्रॉब्लम है, बहुत ही स्लो है वो फ़ोन में, कुछ भी आप एक पिक्चर ले लो बहुत ही जगह लेता है और पिक्चर क्वालिटी पिक्चर जब लोड होता है तो टाइम लगता है, मगर रियलमी का जो फ़ोन रियलमी 3 प्रो है उसके लिए इतना कुछ टाइम भी नहीं लगता है और अच्छे क्वालिटी के फ़ोन है। अभी देखना है एक्स और रियलमी रेडमी K20 क्या करता है इंडिया में और कौन सा प्राइस में इसका फ़ोन लाता है। दोस्तों रेडमी की तरफ से और एक फ़ोन आने वाला है, वो है रेडमी 7 ए सीरीज का फ़ोन, बहुत ही पॉपुलर है रेडमी के और ये फ़ोन भी लॉन्च हो गया है K20 के इवेंट में। इस फ़ोन में जो प्रोसेसर मिल रहा है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439, यानी कि अच्छे क्वालिटी के प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन आएगा इंडिया में। जब K20 आएगा तब इसके साथ ये फ़ोन भी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और इस फ़ोन के कुछ प्राइस रहेगा 6000 के अंदर, यानी कि अच्छे क्वालिटी के एक फ़ोन आएगा और इसमें जो प्रोसेसर रहेगा अच्छे क्वालिटी के और इसका जो रैम रहेगा कुछ 2GB और 16GB का वेरियंट आएगा और लगता है 3GB और 32GB का वेरियंट भी आ सकता है। अभी देखते हैं ये फ़ोन कब इंडिया में लॉन्च होता है और कब इस फोन और इस फ़ोन का प्राइस क्या होता है। दोस्तों अभी तक का न्यूज़ अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करो और जो नया दोस्त देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों DxO Mark जो कैमरा को टेस्टिंग करते हैं और कैमरा में उसका पॉइंट देता है, तो कैमरा के पॉइंट में सबसे पहले कौन है आपको मालूम है क्या? आपको लगता है मालूम है, अगर किसी को मालूम नहीं है तो आप जान लीजिए, वो आ रहे आसूस जेनफोन 6 को, यानी कि 6 को सबसे अच्छा मार्क्स मिला है सेल्फी के लिए। इसके कारण भी है कि क्योंकि जो आसूस जेनफोन 6 के रियर कैमरा है वही फ्रंट कैमरा में आता है और ये कुछ 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो यानी कि अच्छे क्वालिटी के कैमरा के आ रहा है, इसी कारण ये फ़ोन अभी तक के सबसे अच्छा सेल्फी कैमरा है और सबसे बढ़िया सेल्फी कैमरा भी आप इसको ही बोल सकते हो। इसके आजू बाजू में अभी तक कोई भी कैमरा नहीं है जो इतना अच्छा क्वालिटी का कैमरा देता है, वो भी सेल्फी के लिए। दोस्तों ये न्यूज़ है एप्पल की तरफ से, एप्पल को एक पेटेंट मिल गया है जिसमें उसका जो फ़ोन है फ़ोन के डिस्प्ले जो होगा कर्व डिस्प्ले होगा, यानी कि चारों तरफ कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे हम लोग देखते हैं सैमसंग के फ़ोन में चारों तरफ से कर्व होता है, तो यही ऐसा एक टेक्नोलॉजी आने वाला है आपको देखने को मिलने वाला है वो भी एप्पल के फ़ोन में, और वो कुछ 2020 से ऐसा फ़ोन आने वाला है एप्पल में। एप्पल में इतना दिन हम लोग जो फ़ोन देखते थे ज़्यादातर सिंपल फ़ोन होता था, नॉर्मली कोई भी कर्व डिस्प्ले नहीं देख पाते थे, अभी जो फ़ोन एप्पल को 2020 से आएगा वो कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल टेक न्यूज़ इतना ही है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।